हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स या वाई किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर x का जो कॉफिशियंट है वो 1 है और इक्वेशन 2 में जो x का कॉफिशियंट 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे x के कॉफिशियंट सेम हो जाएंगे। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 10। लाइक दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारी क्या है, 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 10। एंड इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 2, 3 प्लस का 3, ये आ जाएगा 5y दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। 10 माइनस 4 क्या हुआ, 6। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 5। y 5 किस साथ में, यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड से इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 6 अपॉन 5। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 किसी भी एक इक्वेशन में। इन इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम x प्लस y की जगह हम क्या रख लेंगे, 6 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू क्या है, 5। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 6 अपॉन 5। ये इस साइड से इस साइड में आएगा तो माइनस में आएगा, ओके। यहाँ पे हमारा 1 है। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 6। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 अपॉन 5। एक्स और वाई इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो एक्स इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 है और वाई इक्वल टू क्या है, 6 अपॉन 5। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स x या y किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वल बनाएंगे। तो देखो ये है, लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे जो x है उसके कोएफिशिएंट हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई
इक्वेशन वन वाई टू. हम इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन वन क्या है हमारी, थ्री एक्स प्लस फोर वाई दैट इज इक्वल्स टू टेन. इसको हमने टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस का एट वाई दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ट्वेंटी. ठीक है, अब हम इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से करेंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय थ्री. इक्वेशन टू क्या है, टू एक्स माइनस का टू वाई दैट इज इक्वल टू टू. हमें इसको किससे, थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस का सिक्स वाई दैट इज इक्वल टू सिक्स. अब क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट. Like this is our equation number 3 and this is our equation number 4. We will subtract equation 4 from equation 3. Subtract equation 4 from equation 3. It means equation 3 में से equation 4 को subtract कर देंगे तो equation 3 क्या है, 6x plus 8y that is equals to 20 and यह है 6x minus 6y that is equals to 6. यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो ये माइनस में हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया, प्लस से तो माइनस हो गया. यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने आ जाएंगे 14y दैट इज इक्वल टू 14. सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/14. y इक्वल टू क्या आ गया 1. अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल टू 1, किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 में कर देते हैं. ठीक है, 3x प्लस y की जगह हमें क्या रखना है 1 दैट इज इक्वल टू क्या है 10. सो हो जाएगा 3x प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 10. सो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4. 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3. x की वैल्यू क्या आ गई 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है. x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1. ये है सेकेंड पार्ट. नाउ विल डिस्कस द थर्ड वन. थर्ड पार्ट इज 3x माइनस 5 बाय माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7. लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. यहाँ हम दोनों इक्वेशन में कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं. देखो फर्स्ट में 3x माइनस का 5y, मैं इस माइनस 4 को इस साइड से उस साइड ले जाती हूँ तो वो किस में जाएगा, प्लस 4 में जाएगा. तो 0 प्लस 4 क्या होगा, 4 होगा. लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड. अब इसमें भी कर लेती हूँ 9x, ये इस साइड से इस साइड में आएगा तो मैं माइनस में आएगा, माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू 7. लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4. अब हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है. तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है. और तो एलिमिनेट हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को हमें सेम बनाना होगा. अगर मैं इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट हमारे सेम हो जाएंगे. तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 5y दैट इज इक्वल टू 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 9x माइनस का 15y दैट इज इक्वल टू 4, सॉरी दैट इज इक्वल टू 12. हमने इस इक्वेशन को क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जगह 9x माइनस का 15y दैट इज इक्वल टू 12. लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5. अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे. बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 4 क्या है मेरी, 9x माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन 5 क्या है, 9x माइनस का 15y दैट इज इक्वल टू 12.
यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 13y और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 5/13। अब हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इक्वल्स टू माइनस का 5/13। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में आके कर लेते हैं 3x माइनस का 5, y की जगह हमें क्या रखना है माइनस का 5/13, दैट इज इक्वल टू क्या है 4। सो हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएगा 25/13, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। सो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इस साइड से इस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकती हूँ, 13 क्या आएगा एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 माइनस का 25। सो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/13 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/13, ये 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर 3 9 जा, ये आ जाएगा 9/13। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आया है 9/13 और y क्या है माइनस का 5/13। ये था थर्ड वन, नाउ वी डिस्कस द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज x/2 + 2y/3 दैट इज इक्वल्स टू -1, x - y/3 दैट इज इक्वल्स टू 3। यहाँ लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करती हूँ, x/2 + 2y/3 दैट इज इक्वल टू क्या है माइनस का 1 है। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 3x आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4y, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। सो ये 6 इस साइड से इधर चला जाएगा यहाँ से, तो ये किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा 3x प्लस का 4y, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6। लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या है x माइनस का y/3 दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ कुछ नहीं है तो आई कैन राइट योर 1। एलसीएम लिया कितना आया 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस का y दैट इज इक्वल टू क्या है 3। तो ये आ जाएगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 3 × 3। सो ये हो जाएगा 3x माइनस का y दैट इज इक्वल टू 9। ओके, लेट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम चेक करते हैं कि हमारे किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका वेरिएबल x है उसके कोफिशिएंट सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, इक्वेशन 4 क्या है 3x माइनस का y दैट इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 4y प्लस का y कितना हो जाएगा प्लस का 5y दैट इज इक्वल टू -6 -9, ये हो जाएगा माइनस का 15। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 15/5, ये आ जाएगा माइनस का 3। y इक्वल टू क्या आ गया है माइनस का 3 आ गया है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में y इक्वल टू माइनस का 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस का 3 हम किस में कर लेते हैं, हमारी ये वाली इक्वेशन है हम इसमें कर लेते हैं 3x प्लस का 4y की जगह हमें क्या रखना है माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू क्या है माइनस का 6।
सो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12। देखो मैं इसको यहां पे कर देती हूं, ठीक है। ये क्या आया 3x माइनस का 12 इक्वल टू क्या है माइनस का 6। यहां से ये 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 12। सो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। x क्या है 2 है और y क्या है माइनस का 3 है, y क्या है माइनस का 3। हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 4 पार्ट्स है हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू।